हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब लड़की आपको देखे तो उसे कैसे इशारे करें कि वो आपको पसंद करने लगे। तो अगर एक ऐसी लड़की आपके आसपास है जो पहले तो आपको देखती नहीं थी, लेकिन अब कुछ दिनों से वो आपको देख रही है, आपको नोटिस कर रही है, और उसको देखकर आपके मन में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या वो आप में इंटरेस्टेड है? क्या वो आपको पसंद करने लगी? आखिर वो आपको देख क्यों रही है? इस तरह के सवाल आपके मन में हैं। तो आज के इस वीडियो में से ये बारे में बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए। अगर आप उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उसे आपको कैसे इशारे करने चाहिए जिससे वो आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग वीडियो देखने हैं तो प्लीज मेरा ब्लॉग चैनल भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगे तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर एक लड़की आपको देख रही है ना, तो उसके देखने से आपको घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है, शाय नहीं बनना। क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि अगर एक लड़की उनको देख रही होती है तो कहीं ना कहीं वो शर्मा जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लड़की आपकी तरफ ध्यान नहीं देगी। क्यों? लड़कियों को पसंद आते हैं कॉन्फिडेंट लड़के। तो रिटर्न में आप कॉन्फिडेंट के साथ देखें। देखो, ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि बाइक में पेट्रोल नहीं है और उसकी टंकी पूरी पेट्रोल से फुल हो जाए तो बाइक जो है ना फर्राटेदार चलती है, ठीक है। ऐसे ही अगर एक लड़की किसी लड़के को देख रही है और उस लड़के में उसको कॉन्फिडेंट दिखता है, एक अलग एटीट्यूड दिखता है, ठीक है, लड़का निडर टाइप का लगता है, तो लड़कियां बहुत जल्दी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके कई से सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि लड़कियां हमेशा एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहती हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, एक ऐसा लड़का जिसका एक अलग एटीट्यूड हो, जो दूसरे लड़कों से अलग रहे, जैसे कि शाय ना हो, ठीक है, दूसरों के सामने नर्वस ना हो, एक लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर हो। तो इस टाइप के लड़के लड़कियों को पसंद आते। तो इसलिए रिटर्न में आपको कॉन्फिडेंट के साथ लड़की को देखना है जिससे लड़की आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे। इसके अलावा दूसरा काम आपको ये करना है कि मान लो कि एक लड़की आपको बार बार देख रही है, तो लड़की के देखने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपको पसंद करने लगी है, ठीक है। आप उसको ऐसे उल्टे सीधे इशारे नहीं करने कि आप उसको पलट कर उससे आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे हो, ठीक है, अपनी हवस उसको दिखा रहे हो, तो मे बी ऐसा करने से लड़की आपको देखना बंद कर दे। तो अगर एक लड़की आपको देख रही है ना, तो सबसे पहले तो आप उस लड़की को ऑब्जर्व करो, उसको उसके देखने की नज़र को जानने की कोशिश करो कि वो किस नज़र से आपको देख रही है। देखो, लड़कियां इस चीज़ में माहिर होती हैं। अगर एक लड़का उनको देखता है ना, तो बहुत जल्दी समझ जाती हैं, उनकी आंखों को पढ़ लेती हैं कि लड़का किस इंटेंशन के साथ उनको देख रहा है। तो इस चीज़ को आपको भी अपने अंदर लाना है कि अगर एक लड़की आपको देख रही है तो उसके मन में क्या चल रहा है, उस चीज़ को आप जानने की कोशिश करो। इसके लिए आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो, ठीक है, और लड़कों को देखो कि आसपास जब और लड़के होते हैं तो उसकी नज़र कैसे होती है, वो कैसे देखती है, और जब आप उसके आसपास होते हो तो वो आपको किस तरीके से देखती है। तो इससे बहुत जल्दी आप समझ सकते हो कि वो उसकी नज़र जो है कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार वाली है, पसंद वाली है। और जब आपको ये लगने लगे कि वो कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है, तब आपको कुछ इस तरह के इशारे करने हैं जैसे वो आपको और भी ज़्यादा पसंद करने लगे। जैसे कि उसको देखकर आप स्माइल पास कर सकते हो, ठीक है, उसको देखकर आप उससे नज़रें मिलाने की कोशिश करो, आँखों ही आँखों में अपनी दिल की बात उसको बताने की कोशिश करो। अगर वो लड़की कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है तो आप हाथों से कुछ ऐसे इशारे करके उसको ब्यूटीफुल का इशारा कर सकते हो, या फिर बिना बोले उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे इशारे होते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये काम आप करके देखो, मे बी वो लड़की आपको पसंद करने लगेगी। इसके अलावा अगला ये भी होता है, ये भी काम आप कर सकते हो कि अगर लड़की आपको देख रही है और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि लड़की आपको देख रही है, तो आप उससे जाकर डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जाके ये नहीं पूछना कि आप मुझे क्यों देख रहे हो, किसी काम के बहाने से आप जाकर उससे बात करो कि ये काम है, या कुछ भी कुछ पूछ सकते हो, काम के बारे में बात कर सकते हो, कुछ भी इस तरीके से बात करनी है। तो मे बी इससे आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाए और लड़की आपको अपना दोस्त बना ले, और दोस्त के बाद वो बॉयफ्रेंड भी बना ले, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।